असलम, इस इलाके की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे इलाके के माहौल को खराब किया जाए। जी पीर साहब, लेकिन मैंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। जो मर्द अपने घर की औरतों को नहीं संभाल सकता ना, उस घर की बर्बादी का जिम्मेदार वो मर्द ही होता है। माफी चाहता हूं, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तुम्हारी बेटी की बात कर रहा हूं, बहुत शिकायतें आ रही हैं उसकी। बेहतर है कि तुम उसको अपने तरीके से समझाओ, कि यहां डॉक्टरी वॉक्टरी के नखरे नहीं चलेंगे। फिर सब वो तो इलाज करती है लोगों का, खिदमत खल्क करती है। जो इलाज जो खिदमत वो करती है और जिस जिस की करके हम सब जानते हैं, कभी डॉक्टर ओसामा तो कभी वो पुलिसिया। बकवास बंद करो प्लीज। खबरदार, जब मेरी बेटी के बारे में कोई गलत सलत बात की तो अपनी आवाज को नीचे रखो। बहुत गैरत जाग रही है तुम्हारी सच सुन के। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां थी जब तुम्हारी बेटी ये हरकतें करती फिर रही थी? फिर साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ये उसे बहुत तंग करता है। और मेरी बात का यकीन कीजिए, आपका असल दुश्मन ये है। मुझे मत सिखाओ, अपने घर पे निगाह रखो जहां तुमने अपनी बेटी की सूरत में एक बर्बादी पाल रखी है। जी, आप पसंद ना हो, मैं समझाऊंगा उसे। देखो असलम, असलम मुझे पता है कि तुम एक लड़की के बाप हो, पर मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। इसके बावजूद कि वो जो कुछ करती फिर रही है, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ। लेकिन इंसान की अपनी इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। तुम्हें जिद करके उसे पढ़ने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेर दे, तुम उसकी शादी कर दो। शादी? हाँ शादी। वो तुम्हारे घर का गंध है, मुझे ये गंध अपने इलाके में नहीं चाहिए जो मेरे लोगों के लिए जहर साबित हो। जी मैं जाऊं? और हाँ, अगर तुम्हें उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिलता तो मुझे बताना, मेरे पास उसके लिए सही जोड़ है। बदनसल। भाइयों, नफरत मोहब्बत की लाजमी शर्त है। जिन मुकामात शय और शख्सियात से तुम मोहब्बत करते हो, अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा तो क्या तुम नुकसान पहुंचाने वाले को ऐसे ही छोड़ दोगे या उससे शदीद नफरत करोगे? मोहब्बत का सबूत देना है तो उन शख्सियात से नफरत करनी होगी जो इस मोहब्बत की राह के बीच में आते हैं। अगर मोहब्बत करते हो तो नफरत करना भी तुम पे लाजिम है। अपने वास के इख्तिताम के साथ ही मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूं। इस आस्थाने के नए गद्दी नशीन का ऐलान करना चाहता हूं। कमर बेटा, इधर आओ। बैठो बेटा, बैठो। दस्तारबंदी की बाकायदा तकरीब अगले हफ्ते की जाएगी, दुआ कीजिए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला चाहिए।